पहली मांग है कि सबसे पहले वीरेंद्र सिंह इस्तीफा दें, गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें, इसके अलावा हम मणिपुर में शांति त्वरित बहाल हो इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाए, हम इसकी डिमांड कर रहे हैं। और जो हम संदेश देश की जनता को देना चाहते हैं, हम यही देना चाहते हैं कि महज एक घटना जो हुई है मणिपुर में, ये घटना पिछले लंबे समय से भाजपा और आरएसएस द्वारा तैयार किए जा रहे मानसिकता उनके नफरती प्रचार की देन है। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मणिपुर की आग अभी तक शांत नहीं हुई है और मणिपुर में अब राष्ट्रपति शासन लगने की बात यहां पर पुख्ता होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल मणिपुर में देखने को मिल रहा है उसके बाद सीधे तौर पर राष्ट्रपति का संज्ञान लेना बहुत जरूरी हो जाता है। मणिपुर की एक घटना सामने आती है, एक वीडियो सामने आता है जिसमें दो महिलाओं के साथ ये दरिंदगी देखी जाती है। कुछ यहाँ पर लड़के दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके बीच सड़क पर घुमाते हुए नजर आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बातें भी सामने आ रही हैं कि महिलाओं के साथ एक तरीके से गलत संबंध भी बनाए गए थे। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो अब ये पूरा मामला इस वीडियो को लेकर तूल पकड़ लेता है और पूरे देश भर में इसकी आग यहाँ पर नजर आती है। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर भी यहाँ पर मणिपुर हिंसा को लेकर जनता का गुस्सा सीधे तौर पर भड़कता हुआ नजर आता है और सबकी मांग होती है कि यहाँ पर जो आरोपी पकड़े गए हैं, पहले आपको बता दें कि ये मामला यहाँ पर जिस तरीके से तूल पकड़ा, इसमें सभी विपक्षी दलों ने, तमाम जनता ने और खुद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये कहा कि अगर सरकार इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द कोई संज्ञान लेते हुए नजर नहीं आती है तो हमें मजबूरन यहाँ पर फैसला लेना पड़ सकता है। तो इस पूरे मामले के तहत यहाँ पर जाँच होती है और जाँच के तहत यहाँ पर चार आरोपियों को पकड़ा जाता है। चार आरोपियों को बीते दिन पकड़ा गया था और आज एक और आरोपी को यहां पर पकड़ लिया जाता है। करीबन पांच आरोपी यहां पर पकड़ लिए जाते हैं। अब ऐसे में ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में उठता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में अब इनको लेकर फांसी की मांग की जा रही है। यहां पर कहा जा रहा है कि इन आरोपियों को फांसी की सजा से कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब देश में रेप होता है तो रेप को लेकर अगर कोई कानून नहीं बनाया जाएगा, जब तक यहां पर अगर ऐसे आरोपियों को फांसी नहीं दी जाएगी तो खुले तौर में ये घूमते हुए नजर आएंगे। आज ये दो महिलाएं हैं तो आने वाले वक्त में कुछ और महिलाओं के साथ भी गलत हो सकता है। सिर्फ मामला मणिपुर की घटना से नहीं जुड़ जाता है, ये मामला पूरे देश की महिलाओं से जुड़ जाता है, उनकी इज्जत से जुड़ जाता है। अब इस पूरे मामले को लेकर और सीधे तौर पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि मणिपुर से जो वीडियो सामने आया, आखिर कैसे मुख्यमंत्री शांत हैं और कैसे देश के प्रधानमंत्री से बयान देने के बाद चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, इस मसले को लेकर जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रियंवदा। कैसे दिखती है आप जो वीडियो कल सामने आया, दर्दनाक वीडियो था, ऐसा लग रहा था कि शायद अब तानाशाही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ और सिर्फ और एक वोट बैंक के लिए। इस पूरा जो मामला आपने कल का देखा वो आप कैसे देखती है, कैसा आपको इस टाइम? देखिए, जो मामला 4 मई की घटना का जो वीडियो सामने आया, हम जानते हैं मणिपुर में ये सब कुछ पिछले 2.5 महीनों से चल रहा है। ये तो वो एक इंसिडेंट था जो आज देश के लोगों के सामने आया है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह जी का बयान है कि ये तो पिछले 2.5 महीनों से ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, तो हम इससे समझ सकते हैं वहाँ की स्थिति क्या है। इससे पहले भी आसफा जैसे कानून लगा करके वहाँ आर्मी के लोग खुद वहाँ की औरतों का रेप करते हैं, ये एक लंबे समय से इसकी हिस्ट्री रही है और मणिपुर के लोग इसके खिलाफ रेजिस्टेंस करते रहे, लड़ते रहे, खास तौर पे मणिपुर की औरतें। आप एक बेटी हैं और बेटी होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहती हैं, क्योंकि कहा जाता है जो स्त्री का दर्द नहीं समझते हम उन्हें मर्द नहीं समझते। लगातार बेटियां, ये मणिपुर की घटना नहीं है, तमाम राज्यों से जो है लगातार इस तरह की घटना आती रहती, कहीं रेप हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, इसको आप कैसे, इस दर्द को कैसे झेलते हैं? देखिए, जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, ऐसे मानसिकता वाले लोगों को जो रेपिस्ट हैं, जो बलात्कारी हैं, जो पेट्रियार्कल माइंडसेट के लोग हैं, इनको बढ़ावा मिला है, इनको भाजपा से
संरक्षण मिला है। आप देख ही सकते हैं तमाम ऐसे नेता मंत्री बृजभूषण सरन सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर तमाम ऐसे लोग जो औरतों के साथ यौन शोषण करते हैं, उनका बलात्कार करते हैं, मर्डर करते हैं, उनको भाजपा बचाती है, उनका संरक्षण करती है, ऐसे तमाम लोगों का। तो जाहिर तौर पर हर एक राज्य में डबल इंजन की सरकार जो है चुनी जा रही है। आप मणिपुर की बात कर लो, आप उत्तर प्रदेश की बात कर लो, आपने यहाँ पर सेंगर का नाम लिया, इसके बावजूद भी आज देश की जनता कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जा रही है, ये भी तो बड़ा सवाल है। देखिए, देश की जनता बीजेपी की तरफ जा रही है नहीं जा रही है तो हम लोगों ने देखा भी कर्नाटक चुनाव में। ये लगातार इस तरह का प्रचार फैलाया जा रहा है कि देश की जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आज बीजेपी ऑप्शन है। लेकिन देश की जनता के पास ऑप्शन है उनकी एकजुटता, उनकी एकता। आज देश की जनता जब सड़कों पर आती है तो बड़े से बड़े तानाशाह को उलट के रख देती है। हिटलर के साथ भी ये हुआ था, मुसोलिनी के साथ भी ये हुआ था, उनको जाना पड़ा। तो आज भी देश की जनता के सामने ऑप्शन है, उनके सामने ये ऑप्शन है कि वो अपना राजकाज कायम कर सकते हैं। और भाजपा का जो पूरा प्रोपेगेंडा काम करता है, जो आईटी सेल काम करता है, लोगों के बीच सुबह सुबह व्हाट्सएप के मैसेज फॉरवर्ड करने से लेकर तमाम मीडिया चैनल, टीवी चैनल से उनको ये बताना कि अरे हिंदू खतरे में है, अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हें भाजपा को वोट करना पड़ेगा, ये उनका वो नकली प्रोपेगेंडा है जिसके जरिए वो हमारी जिंदगी के असल सवालों से हमारा ध्यान भटकाते हैं। बृजभूषण शरण सिंह का जिक्र किया, एन बीरेन सिंह का यहाँ पर इस्तीफा मांगा जा रहा है। बृजभूषण शरण सिंह को कई बार क्लीन चिट मिल चुकी है, जमानत मिल चुकी है, क्या आपको लगता है कि कोई मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया जा सकता है, जबकि बृजभूषण शरण सिंह तो एक सांसद है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री एक जिनके राज्य में एक ऐसी घटना घट रही है जहां औरतों को निर्वस्त्र करके दोहराया जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है, और उसके बाद भी मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लेकर इस्तीफा नहीं देते, तो हमें शर्म आती है कि हमारे मुख्यमंत्री ऐसा, हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो 56 इंच के सीने होने का दावा करता है, जो बताता है 18 से 20 घंटा काम करता है, और भारत जिसके लिए तरक्की कर रहा है, आज उसके भारत में उसके मणिपुर की स्थिति आप देख लीजिए जहाँ औरतों के साथ ऐसी घटनाएँ घटती हैं। तो हम बिल्कुल कह रहे हैं कि इसमें तो त्वरित मानव मूल्यों का, बस हम क्या कहें कि भाजपा और आरएसएस के लोगों में मानव के, मानवता के मूल्यों का अभाव है। अगर वो एक इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो इंसान के खोल में भेड़िए जानवर है, इसलिए उनको इतनी शर्म भी नहीं है। संदेश क्या क्या है, मांगे क्या क्या है आपकी, संदेश और मांगे क्या क्या है, क्योंकि एक स्त्री का दर्द आप समझ रही हैं, और उस जो वीडियो सामने आया उस वीडियो के बाद आप जंतर मंतर पहुंच चुके हैं, आप संदेश और यहां पर मांग क्या रखना चाहते हैं? देखिए, हमारी पहली मांग है कि सबसे पहले वीरेंद्र सिंह इस्तीफा दें, गृहमंत्री अमित शाह इस्तीफा दें, इसके अलावा हम मणिपुर में शांति त्वरित बहाल हो, इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाए, हम इसकी डिमांड कर रहे हैं। और जो हम संदेश देश की जनता को देना चाहते हैं, हम यही देना चाहते हैं कि महज एक घटना जो हुई है मणिपुर में, ये घटना पिछले लंबे समय से भाजपा और आरएसएस द्वारा तैयार किए जा रहे मानसिकता, उनके नफरती प्रचार की देन है, और इसके लिए जो लड़ाई होगी वो भी एक लंबी और जुझारू लड़ाई की हमें तैयारी करनी होगी, लोगों को एकजुट करना होगा। तो इसके लिए हमें जाहिर तौर पे एक दिन के प्रदर्शन से आगे बढ़ के एक लंबे आंदोलन की तैयारी करनी होगी जो इस फांसीवाद को उखाड़ फेंकेगा। एक और महिला मौजूद है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप क्या कुछ देखती हैं इस तस्वीर को, क्या लगता है कि क्या एन बीरेन सिंह का इस्तीफा हो जाएगा? मैम, बिल्कुल होना तो चाहिए, होना तो चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि एक दर्द, जिस दर्द को देश के प्रधानमंत्री नहीं समझ रहे हैं। हम लोग जो है संस्कार और संस्कृति की बात करते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात करते हैं। हम लोग कहते हैं कि जहाँ स्त्रियों का निवास होता है वहाँ देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, हम पढ़ते आए हैं। हम ये भी जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसने बता दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने से कुछ नहीं होता है, आपको बेटियों को सुनना भी पड़ेगा और बेटियों को जो है पढ़ाना पड़ेगा, उनको बचाना भी पड़ेगा, क्योंकि स्त्री का दर्द था जमीनी स्तर पर। आपने देखा, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है मणिपुर से तमाम बेटियाँ जो है दिल्ली की सड़क पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुँच चुकी हैं और जमीनी हकीकत बता रही हैं भाजपा की, कि किस तरीके से भाजपा पार्टी के नेता इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। एन बीरेन सिंह का इस्तीफा किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि यह संयोग नहीं बीजेपी आरएसएस का फांसीवादी प्रयोग है, ये भी कहा जा रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं को यहाँ पर सम्मान दिलाने के लिए जद्दोजहद की जा रही है और पूरे तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तमाम बेटियों को आप देख सकते हैं, और इसके साथ साथ आपने एक बेटी की आवाज़ को भी सुना, उसने साफ तौर पर ये कहा कि अमित शाह का जो है इस्तीफा होना चाहिए, साथ में यहाँ पर एन बीरेन को भी इस्तीफा सौंपना चाहिए। जैसे कि आपने सुना, आप सीधे तौर
पर अब यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद संज्ञान लेती हुई नजर आएंगी। अब वो वक्त आ चुका है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर मोदी सरकार के इशारों पर काम ना करके खुद संज्ञान लेते हुए मणिपुर पहुंचे और मणिपुर की घटना पर संज्ञान लेते हुए दोषियों को यहाँ पर सजा सुनाते हुए नजर आए। बेशक सुप्रीम कोर्ट का मामला है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को माहौल को शांत करने के लिए इन आरोपियों पर कड़े से कड़ा फैसला लेना बहुत जरूरी हो जाता है। अब ऐसे में क्या राष्ट्रपति यहाँ पर मणिपुर की हिंसा को शांत करवा पाएंगी? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।